गुड मॉर्निंग, मैं डॉक्टर माजिद अली अकोला बारसीडागली से। जैसे कि हम सबको पता है कि कोरोना वायरस का पैंडमिक चल रहा है, तो इसके लिए हम अपने घरों में रह के लड़ रहे हैं। साथ में हम लोग मास्क, सैनिटाइजर और डिस्टेंस मेंटेन्स कर रहे हैं, पर इस ये सब कुछ करने के बाद भी हम देख रहे हैं कि हिंदुस्तान का डेथ रेशो काफ़ी बढ़ रहा है। इसकी एक वजह है कि हम लोग का इम्यूनिटी सिस्टम बहुत कमज़ोर है। जिन लोगों का इम्यूनिटी सिस्टम कमज़ोर होता है उस पर वायरस जल्दी इफेक्ट करता है, तो इसके लिए घर में रह के हम छोटे से उपाय करके अपना इम्यून सिस्टम भी बढ़ा सकते हैं। जैसे हम लोग सुबह उठते हैं, चाय पीते हैं, तो हम ग्रीन टी में हल्दी, तुलसी, अदरक का इस्तेमाल करें। सुबह 6 बजे से लेकर 12 बजे तक सिट्रस फ्रूट का इस्तेमाल करें, जैसे कि संतरा, नींबू, ऑरेंज, मौसम्बी, ये सब चीज़ें। उसके बाद सुबह शाम हल्दी का दूध पिए। खाना खाने के पहले 300 ग्राम सलाद का इस्तेमाल करें। खाना खाने के पहले हम लोगों को 300 ग्राम एक प्लेट का सलाद ख़त्म करना है, उसके बाद खाना शुरू करना है। उसके बाद हम लोग जो भी सीजनल फ्रूट्स आ रहे हैं उसका दिन भर इस्तेमाल ज़्यादा करें। फिर भी इतना सब कुछ होता है और इससे हम लोगों की इम्यूनिटी सिस्टम डेवलप होता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बार बार बीमार होते हैं। कुछ बच्चे होते हैं जिनको बार बार सर्दी, खांसी, जुकाम होता है, तो ऐसे लोगों को भी ट्रीटमेंट करने के लिए आप जो भी है तो ऐसे लोगों को भी ट्रीटमेंट करने के लिए आप जो भी है तो ऐसे लोगों का ट्रीटमेंट करने के लिए आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में लिखें, मैं उसके लिए अच्छे सुझाव दूंगा उन लोगों की इम्यूनिटी के लिए।